हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है दोस्तों, 10वां मुकाबला खेला जाने वाला है 100 लीग का, वेल्श फायर बनाम लंदन स्पिरिट के बीच में। और किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है प्लेइंग 11 देखने को मिलेंगी, और साथ ही में आपको किस तरीके से जो है अपनी टीम बनानी है, वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में कैप्टन वाइस कैप्टन किससे बनाना आज काफ़ी बेहतर रहेगा, वो सारी डिटेल्स जो है दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो जो है पूरी देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन जो है दोस्तों ऑल पे सेट कर लेना। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही में कमेंट बॉक्स पे, वहाँ पर आपको जो है मैच की फिक्स रिपोर्ट मिल जाती है, और साथ ही में सारे जो है प्लेयर स्टेट्स आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में जो है फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो पिच जो है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली है, और बॉलर्स को भी यहाँ पर जो है मदद मिलते हुए नजर आएंगी, और साथ ही में स्पिनर्स को भी। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेंगी यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर जो है डिपेंड करना। फिलहाल यहाँ पर वेदर कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश आने की संभावना जो है दोस्तों काफ़ी कम है। मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पर जो है बारिश आने वाली है। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉर्ड्स लंदन की स्पीच की, तो यहाँ पर जो है दोस्तों 11 मुकाबले खेले गए 100 लीग के अब तक, जहाँ पर 6 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीती, वही चेस करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीती है। हाईएस्ट स्कोर इस मुकाबले में जो है दोस्तों आपको माफ़ कीजिएगा 195 का यहाँ पर इस पिच पर जो है हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है, और साथ ही में लोवेस्ट स्कोर जो है दोस्तों 108 रनों का है। अगर बात की जाए एवरेज इनिंग स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 136 रनों का रहता है, वही चेस करने वाली टीम का स्कोर जो है दोस्तों एवरेज स्कोर 137 रनों का रहता है। तो यहाँ पर भी जो है मुझे लगता है 140 145 मैं सारी जानकारी आपको जो है दोस्तों शेयर करूंगा। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं पिछले 10 मुकाबलों की, तो दोस्तों 50 विकेट जो है पेसर्स को मिली है, वही 53 विकेट स्पिनर्स को मिली है। यहाँ पर जो है ना दोनों ही गेंदबाजों को आपको विकेट्स मिलते हुए नजर आएंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर 10 विकेट्स गिरती है तो 4 पेसर्स ले सकते हैं, 6 स्पिनर्स ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न, तो स्कोरिंग पैटर्न तो ये 100 लीग का नहीं है, T20 मैचेस का है। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो दोनों ही टीमों ने जो है दोस्तों यहाँ पर इस मैदान पर एक मुकाबला खेला है, जहाँ पर लंदन स्पिरिट की टीम ने जीती, वेल्स फायर को इस मैदान पर जीत नहीं मिली है लंदन स्पिरिट के खिलाफ। साथ ही में जो है बैटिंग करते हुए जीती है, मतलब एक ही मुकाबला खेला गया, और जो कि है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीती लंदन स्पिरिट बनाम वेल्स फायर के बीच में। और फिलहाल अगर बात की जाए पिछले 5 मुकाबलों की, 5 मुकाबले तो खेले नहीं गए, 3 मुकाबले खेले गए, अगर उनकी बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है पेसर्स 14 विकेट्स निकालते हुए नज़र आए लंदन स्पिरिट की ओर से पिछले 3 मुकाबलों में, वही स्पिनर्स जो है दोस्तों 6 विकेट्स निकालते हुए नज़र आए। मतलब यहाँ पर लंदन स्पिरिट के आप जो है पेसर्स के साथ ज़्यादा जा सकते हो। वही वेल्स फायर की टीम से भी यही देखने को मिला है, पेसर्स ने जो है दोस्तों 11 विकेट्स निकाले पिछले 3 मुकाबले में, और वही वेल्स फायर के स्पिनर्स जो है दोस्तों 7 विकेट्स निकाले। मैं ऐसे में जो है दोस्तों यहाँ पर यही कहूँगा कि आप दो दो पेसर्स यहाँ पर ले सकते हो, और साथ ही में एक एक स्पिनर्स के साथ जो है यहाँ पर इस मैदान पर जा सकते हो और इस मुकाबले में जा सकते हो। अब यहाँ पर हम जो है दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 मुकाबले, जैसे कि मैंने बताया पिछले 5 तो नहीं खेले गए, 3 मुकाबले खेले गए, जहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच में, जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है 33% मुकाबले जीती, वही चेस करने वाली टीम 66% मुकाबले जीती है। अगर लंदन स्पिरिट की टीम की बात की जाए तो यहाँ पर अगर बाद में गेंदबाजी करती है, पिछले 3 मुकाबलों के अगर हम आंकड़े निकालें तो 14 विकेट जो है दोस्तों पेसर्स को मिले, वही स्पिनर्स को जो है 6 विकेट्स मिले, वही वेल्स फायर की टीम अगर पहले गेंदबाजी करती है तो 11 विकेट्स पेसर्स को मिले, स्पिनर्स को जो है दोस्तों 7 विकेट्स मिले, जब दोनों ही टीमें आमने सामने रही है। पहले गेंदबाजी कभी लंदन स्पिरिट ने वेल्स फायर के खिलाफ करी नहीं है, और वही यहाँ पर वेल्स फायर की टीम ने जो है दोस्तों बाद में गेंदबाजी कभी लंदन स्पिरिट के सामने करी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है फर्स्ट बैटिंग के रिलेटेड जो है आप जो मैं टीम आपको देने वाला हूँ फैंटेसी 11 की, वो फर्स्ट बैटिंग अगर लंदन स्पिरिट की टीम करती है तो उसके हिसाब से वो टीम रहने वाली है। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते कितने रन यहाँ पर हो सकते, तो अगर लंदन स्पिरिट की टीम जो है दोस्तों अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 143 के ऊपर रन बनाते हुए नजर आ सकती है, 6 विकेट्स आपको गंवाते हुए नजर आ सकती है। वही अगर वेल्श फायर की टीम अगर चेस करती है तो दोस्तों 138 रन पे 6 विकेट्स यहाँ पर आपको जो है गंवाते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लेयर स्टेट्स की, इससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ बताते चलो कि अभी तक दोनों ही टीमों के बीच में 3 मुकाबले खेले गए, जहाँ पर लंदन स्पिरिट ने 2 मुकाबले जीते, वेल्श फायर ने 1 मुकाबला जीता है। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो लंदन स्पिरिट की ओर से ड्रूमंड आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं एडम रोसिंगटन के साथ में, उसके बाद अब कायल पेपर आपको नजर आएंगे, कप्तान लॉरेंस आपको जो है 14 स्थान पर नजर आएंगे, 5वें स्थान पर शिमरन हेटमायर, 6ठे स्थान पर आर्यन हिगिन्स, 7वें स्थान पर आपको लियम डेविसन, 8वें स्थान पर आंद्रे रसल, 9वें स्थान पर नेथन एलिस, 10वें स्थान पर ओली स्टोन, और 11वें स्थान पर आपको जो है डेनियल वॉरल आपको जो है खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वेल्श फायर की प्लेइंग 11, तो दोस्तों टॉम कोलर कैडमोर आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे जॉनी बेरिस्टो के साथ में, उसके बाद 3रे स्थान पर जॉय क्लॉर्क, 14वें स्थान पर टॉम एबेल, 5वें स्थान पर ग्लैन फिलिप्स, और 6ठे स्थान पर लूक बेल, 7वें स्थान पर डेविड विले, 8वें स्थान पर डेविड पेन, 9वें स्थान पर मैसन क्रेन,
10वें स्थान पर जोशुआ लिटिल और 11वें स्थान पर आपको जेक पॉल खेलते हुए नजर आएंगे। ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लेयर स्टेट्स की। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स बता रहा हूँ दोस्तों, वो 100 लीग से हैं रिलेटेड है, 100 लीग के बाहर हम गए नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए टॉमल कॉलर कैडमोर की, जो कि बैट्स विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और इन्होंने जो है दोस्तों अभी तक 100 लीग में 22 मुकाबले खेले, 430 रन बनाए 19 के औसत से। वही यहाँ पर अगर बात की जाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 इनिंग्स में 170 रन बनाए 15 की औसत से। चेस करते हुए वही यहाँ पर 11 मुकाबलों में 23 का इनका औसत रहा है, 260 रन बनाए हैं। और इस मैदान पर भी जो है दोस्तों दो मुकाबलों में 51 रन बनाए 25 के औसत से। लंदन स्प्रिट के खिलाफ भी जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी है, 33 रन बनाए फिर 41 रन बनाए। रिसेंट फॉर्म जो है दोस्तों उतना कुछ खास नहीं है पिछले 3-4 मुकाबलों में, लेकिन क्या यहाँ पर इनको लेना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर अगर वेल्शवायर की टीम अगर चेस करती है तो आप जो है दोस्तों टॉम कॉलर कैडमोर के साथ जा सकते हो। इस मैदान पर भी खेलना पसंद है, साथ ही में इस टीम के खिलाफ भी खेलना पसंद है, और चेस करते हो इनका औसत भी जो है दोस्तों 100 लीग में काफ़ी बढ़िया है, तो इनको जो है आप ले सकते हो। खासतौर पर अगर वेल्शवायर की टीम अगर चेस करती है फर्स्ट बैटिंग के खिलाफ थोड़ा फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं। उसके बाद जॉनी बेरिस्टो, अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों 100 लीग में अभी तक 8 मुकाबले खेले, 238 रन बनाए 29 के औसत से। पहले इनिंग अगर बात की जाए तो 3 मुकाबलों में जो है दोस्तों 42 का इनका औसत, 128 रन बनाए। वही चेस करते हुए 5 मुकाबलों में 110 रन, 22 का इनका औसत है। लॉर्ड के मैदान में कोई यहाँ पर जो है मुकाबला खेला नहीं है 100 लीग का। वही लंदन स्प्रिट के खिलाफ एक मुकाबला खेला है जहाँ पर 40 रन बनाए। फिलहाल इनका फॉर्म जो है काफ़ी साधारण सा रहा है 3-4 मुकाबलों में, क्या आज इनका बल्ला चल सकता है? तो दोस्तों अगर लंदन स्प्रिट की टीम यहाँ पर डिफेंड करती है, मतलब यहाँ पर जॉनी बेरिस्टो जो है दोस्तों पहले बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है रन्स बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ ही में लंदन स्प्रिट में इनका जो है लंदन स्प्रिट के खिलाफ जो है रन्स बनाए हैं पिछले मुकाबलों में, पसंद है इनकी गेंदबाजी। फिलहाल इनका फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, अगर इसके लिए अगर आपको लेना है तो यहाँ पर जॉनी बेरिस्टो को आप जो है दोस्तों अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तब लीजिएगा। चेस के समय फंसते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, 10 से 20 रन के अंदर ही आउट होते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके बाद जॉय क्लार्क, अगर इनकी बात की जाए तो 25 मुकाबले इन्होंने खेले, 445 रन बनाए। बैटिंग ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 8 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए 17 के औसत से। वही चेस करते हुए इनका 18 का औसत है। लॉर्ड्स के मैदान पर 9 रन बनाए हैं, औसत भी 9 का है। साथ ही में लंदन स्प्रिट के खिलाफ जो है 10 रन के ऊपर नहीं बना पाए हैं रन। इनका फॉर्म जो है काफ़ी साधारण सा है, क्या इनको अपनी टीम में लेना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर जो है शायद मैं इनको अपनी टीम में ना लूँ, हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं और साथ ही में जो है दोस्तों इनका लंदन स्प्रिट के खिलाफ जो है बल्ला चलता नहीं है, तो ऐसे में मैं यहाँ पर जो है इनको जो है अपनी टीम में ड्रॉप करूँगा। आप चाहो तो इनको सोच सकते हो, मैं शायद इनको कोई भी अपनी टीम में ना लूँ। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉम अबेल की, जो कि कप्तानी भी करेंगे इस टीम की, वेल्शवायर के कप्तान है। अगर इनकी बात की जाए तो 9 मुकाबले इन्होंने खेले 100 लीग के, जहां पर 139 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, 2 मुकाबलों में 1 रन, वही 7 मुकाबलों में चेस करते हुए 17 का इनका औसत है। लॉर्ड के मैदान में कोई भी मुकाबला नहीं खेला, लेकिन लंदन स्प्रिट के खिलाफ 37 रन बनाए हैं। हालिया फॉर्म इनका ठीक ठाक है, क्या इनको अपनी टीम में लेना चाहिए? तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है अगर चेस करते तो इनको अपनी टीम में शामिल कर सकता हूँ, वरना यहाँ पर जो है मुझे आप जो है अपनी टीम में शामिल कर तो सकते हो। लंदन स्प्रिट के खिलाफ रन ज़रूर बनाए, इनका फॉर्म भी जो है चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, और मैं देखता हूँ अगर इनकी जगह मेरी टीम में रहेंगी तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन खास तौर पे अगर यहाँ पर अगर लेना चाहूँगा तो चेस करते हुए फर्स्ट बैटिंग में भी इनको ले सकता हूँ, ट्राई कर सकते हो दोस्तों आप टॉम अबेल को। फिलहाल उसके बाद बात कर लेते हैं ग्लैन फिलिप्स, इनकी अगर बात की जाए तो 16 मुकाबले इन्होंने खेले, 312 रन बनाए हैं 100 लीग में पहले बल्लेबाजी करते हुए, 9 मुकाबले में 163 रन, जहाँ पर 18 का इनका औसत है। वही चेस करते हुए 7 मुकाबले 149 रन, 16 का इनका औसत है। लॉर्ड्स में कोई मुकाबला नहीं खेला, लेकिन लंदन स्प्रिट के खिलाफ जो है रन्स बनाए हैं। इनको भी जो है दोस्तों अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, फॉर्म तो इनका कुछ खास नहीं है पिछले 4-5 मुकाबलों में, लेकिन ये बल्लेबाज जो है ना दोस्तों काफ़ी कमाल का, कभी भी ये वापसी आपको करते हुए नज़र आ सकता है। आप इनको चाहो तो ले सकते हो, मैं इनको अपनी टीम में ड्रॉप कर सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले प्लेयर की, जो कि होने वाले लुक वेल, ये भी जो है दोस्तों बैटिंग ऑलराउंडर इन्हें हम कह सकते हैं। फिलहाल इनके बारे में अगर ना भी कहे तो चल जाएगा, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो इनको जो है दोस्तों आप अपनी टीम में ट्राई ज़रूर करिएगा। हालिया फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर वेल्शवायर की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो दोस्तों इनको आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको कुछ ना कुछ अच्छा करके देंगे, साथ ही में जो है कभी कभार गेंदबाजी भी कर लेते हैं। उसके बाद डेविड विले, अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, साथ ही में जो है पेसर गेंदबाज हैं। अभी तक 23 मुकाबले इन्होंने 100 लीग के खेले, 24 विकेट्स इनके नाम है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 मुकाबले में 17 के औसत से 197 रन बनाए हैं। वही चेस करते हुए 9 मुकाबले में 107 रन बनाए हैं। और अगर इनकी बात की जाए
गेंदबाजी में तो 12 मुकाबलों में पहले गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट्स इनके नाम है, 17 की इकोनॉमी। बॉलिंग में इकोनॉमी जितनी कम रहेगी उतना बेहतर रहता है वो खिलाड़ी भाई। डिफेंड करते हुए दोस्तों बाद में अगर गेंदबाजी करते तो 11 मुकाबले में 10 विकेट्स, 22 का इनका औसत है। इस मैदान पर एक मुकाबला खेला है जहाँ पर 81 रन बनाए, 2 विकेट्स इनके नाम है। और साथ ही में जो है दोस्तों लंदन स्प्रिट के खिलाफ ये बल्ले से या तो गेंद से भी रन या तो फिर विकेट्स निकाल करके भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। और एक अच्छा पिक भी यहाँ पर आपको जो है दोस्तों देखने को मिलेगा, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। मैं शायद इनको हो सकता है आज के इस मुकाबले में वाइस कैप्टन बना लूँ, खास तौर पे अगर यहाँ पर वेल्श फायर की टीम पहले गेंदबाजी करती है। लंदन स्प्रिट की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो डेविड विले को हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी जो है दोस्तों बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले प्लेयर की, ओवरऑल इनको जो है आपको टीम में लेना ही है दोस्तों। डेविड विले को अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। उसके बाद डेविन पेन, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है 24 मुकाबले खेले, 21 विकेट्स इनके नाम है। ये भी जो है दोस्तों आपको बल्ले से रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं, इनके भी पास क्षमता है बैटिंग करने की। फिलहाल गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो पेसर ये गेंदबाज है, 12 मुकाबलों में 16 विकेट्स पहले गेंदबाजी करते हुए, 19 का इनका औसत। वही डिफेंड करते हुए दोस्तों 12 मुकाबलों में 5 विकेट्स ले पाए, लॉर्ड्स के मैदान में कोई विकेट इनको नहीं मिले। लंदन स्प्रिट के खिलाफ 2 मुकाबलों में 2 विकेट्स हैं। रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी बढ़िया चल रहा है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, खासतौर पर अगर पहले गेंदबाजी करती है वेल्श फायर की टीम। मैं भी अपनी टीम में इनको लेना पसंद करूँगा, देखते यहाँ पर लूँगा या नहीं, लेकिन अच्छे यहाँ पर जो है विकल्प रहने वाले हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आज भी 1 या 2 विकेट्स निकाल करके देंगे। उसके बाद मैसन क्रेन, अगर इनकी बात की जाए तो स्पिनर ये गेंदबाज है और साथ ही में जो है दोस्तों पहले गेंदबाजी करते हुए 7 मुकाबलों में 7 विकेट्स हैं। भाई बाद में गेंदबाजी करते हुए 11 मुकाबलों में 13 विकेट्स हैं। फिलहाल इनका हालिया फॉर्म काफ़ी बेहतर चल रहा है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। एक तो मैसन क्रेन को लीजिएगा दोस्तों, या तो फिर मैंने इससे पहले जो आपको बताया था, क्या इससे पहले हमने जो गेंदबाज की बात की थी, आप डेविड पेन के साथ भी जा सकते हो या तो फिर मैसन क्रेन आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आप दोनों में से एक खिलाड़ी को ही लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जोशुआ लिटिल, इनकी भी जो है फॉर्म काफ़ी बढ़िया चल रहा है, 8 मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट्स, वही बाद में गेंदबाजी करते हुए 5 मुकाबले में 10 विकेट्स। ये भी जो है एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। क्या इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जी नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो नहीं, लेकिन टीम में हमको आपको जो है दोस्तों जरूर पिक करना है। ये भी आज 1 या 2 विकेट्स निकाल करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले प्लेयर की, जो कि होने वाले जेक पॉल। ये भी जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं अगर पहले गेंदबाजी आती है वेल्श फायर की, वरना यहाँ पर जो है दोस्तों रिस्की प्लेयर रहेंगे। हालांकि इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो है दोस्तों शायद जेक पॉल को ना लूँ, इनके जगह मैं आपको जो है पेन को लेना पसंद करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे लंदन स्पिरिट के बल्लेबाजों की, तो उसके बाद पेल ड्रूमंड आपको नजर आएंगे, 10 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 100 लीग के 162 रन बनाए हैं। और साथ ही में जो दोस्तों 7 मुकाबलों में 113 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए, 16 का औसत चेस करते हुए भी 16 का औसत। और साथ ही में इस मैदान पर एक मुकाबला खेला है, 12 रन बनाया है। इनका हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं है, मैं इनको अपनी टीम में आज जो है ड्रॉप कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एडम रोसिंगटन, ये भी जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है, 17 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 के रन बनाए, 17 के औसत से, वही चेस करते हुए 25 का इनका औसत है। और साथ ही में लॉर्ड्स के मैदान पर 10 मुकाबले खेले, 177 रन बनाए, 17 का इनका औसत रहता है लॉर्ड्स के मैदान पर। वेल्श फायर के खिलाफ उतनी कुछ खास बल्लेबाजी तो है नहीं, और फिलहाल इनका तो 100 लीग में जब से आए हैं तब से इनकी बल्ले से रन आए नहीं है। मैं इनको ट्राई कर सकता हूँ, खासतौर पर अगर चेस करती है यहाँ पर लंदन स्पिरिट की टीम में अगर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो मैं इनको जो है दोस्तों ड्रॉप करना पसंद करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हम जो है दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्लेयर की, तो माइकल पेपर, इनकी अगर बात की जाए तो 6 मुकाबले इन्होंने खेले 100 लिख के, पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 मुकाबले में 65 रन, 16 का औसत चेस करते हुए 1 मुकाबले में 12 रन, लॉर्ड्स में मैदान में खेले कोई बल्लेबाजी नहीं की है। और साथ ही में वेल्श फायर के खिलाफ जो है दोस्तों इनका कोई भी मैच अभी तक हुआ नहीं है, पिछले 2 मुकाबले में 15-16 रन बनाए। फॉर्म इनका अच्छा है, मैं शायद इनको ले भी सकता हूँ अपनी टीम में, और शायद इनको जो है मैं जॉनी बेरिस्टो को ट्राई करूँगा। उसके बाद लॉरेंस की अगर बात की जाए तो ये जो है दोस्तों इनको आपको लेना चाहिए पहले बल्लेबाजी करते हुए, और साथ ही में जो है गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं। इस मैदान में 6 मुकाबले के लिए 164 रन बनाए, 4 विकेट्स भी इनके नाम है। और साथ ही में वेल्श फायर के खिलाफ 143 रन की पारी, साथ ही में 4 विकेट्स। ये आपको जो है दोस्तों बल्ले से या तो गेंद से कहीं ना कहीं से आपको जो है ये पॉइंट ज़रूर दे करके जाएंगे, आप इनको अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम जो है बात कर लेते हैं अगले प्लेयर की, तो शेमरन हेटमायर, शायद मैं इनको तो अपने टीम में ड्रॉप कर सकता हूँ, कभी भी वापसी कर सकते हैं, लेकिन हालिया फॉर्म के देखते हुए मैं इनको जो है दोस्तों अपनी टीम में ड्रॉप करूँगा और कोई भी टीम में अपनी टीम में नहीं लूँगा। आप जो है दोस्तों ओवरऑल सब कुछ देख सकते हो, रिसेंट फॉर्म जो है दोस्तों आपको येलो स्क्रीन पर दिखेगा, जो कि सारी मैचेस पिछले जो 5-6 मैचेस होती है
उनका रिकॉर्ड होता है। वेल्स फायर का यहाँ पर जो है वाइट स्क्रीन पर नजर आता है। और उसके बाद आर्यन हिकिंस, इनकी अगर बात की जाए तो ये गेंदबाजी करते हैं, स्पिनर गेंदबाज और साथ ही में बल्लेबाजी भी करते हैं। 4 मुकाबलों में 15 रन्स, 4 की औसत से रन्स बनाए। उसके बाद 2 मुकाबलों में 7 रन्स आप जो है दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हो। और साथ ही में जो है पहले गेंदबाजी करते हुए 2 मुकाबलों में 5 विकेट से, वही बाद में गेंदबाजी करते हुए 4 मुकाबले में 1 विकेट है। और साथ ही में जो है दोस्तों आप देख सकते हो जिस तरीके से फॉर्म है, रिसेंट फॉर्म जो है दोस्तों आप इनका देख सकते हो येलो स्क्रीन पर, क्या इनको अपनी टीम में लेना चाहेंगे? मुझे लगता है दोस्तों आप जा सकते हो। और साथ ख़ास तौर पे यहाँ पर अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो ये जो है दोस्तों अच्छे ऑप्शन रहेंगे लंदन स्पिरिट के। और उसके बाद लियम डेवसन, इनको भी जो है दोस्तों आप चाहो तो अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। मैं शायद इनको ना भी लूँ। अगर इनकी बात की जाए तो 13 मुकाबलों में थोड़ा नीचे आते बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जो है ना दोस्तों इनका फॉर्म काफ़ी बेहतर चल रहा है। अब बल्ले से ये रन्स दे सकते हैं और साथ ही में जो है विकेट निकालने की क्षमता है। मैं शायद इनको ड्रॉप कर लूँ। आप जो भी स्टेट्स है जो दोस्तों स्क्रीन पर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है ना लंबी होंगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो काफ़ी डिटेल्स में आपको जो है सारी जानकारी दे सकता हूँ। और फिलहाल जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सारे स्टेट्स। उसके बाद आनिर रसल, अगर आनिर रसल की बात की जाए तो अभी तक दोस्तों 8 मुकाबले खेले हैं, 198 रन्स बनाए, 4 विकेट्स इनके नाम है। साथ ही में जो है दोस्तों 24 का इनका औसत है। और साथ ही में जो है दोस्तों 8 मुकाबले में 24 रन्स बनाए, 198 रन्स, 7 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन्स बनाए, 27 का इनका औसत है। चेस करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर जो है फंसे हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो है दोस्तों इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। आपको बल्ले से या तो फिर गेंदबाजी भी आपको करते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं से पॉइंट्स आपको जरूर देंगे। और पिक भी हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए, मैं इनको अपनी टीम में वाइस कैप्टन बनाना चाहूँगा या फिर कैप्टन, क्योंकि बल्लेबाजी तो इनकी काफ़ी जल्दी आएंगी और साथ ही में जो है दोस्तों गेंदबाजी में कभी कभार ये जो है चमत्कार भी कर लेते हैं, तो ऐसे में मैं इनको अपनी टीम में शामिल तो करूँगा ही। और उसके बाद नेथन एलिस, इनको आप ना भी ले तो काफ़ी चल जाएगा, क्योंकि 3 मुकाबलों में 2 विकेट से पहले गेंदबाजी करते हो, 14 मुकाबलों में 12 विकेट से यहाँ पर बाद में गेंदबाजी करते हुए, लॉर्ड्स में 7 मुकाबले के लिए 3 ही विकेट से इनका फॉर्म उतना कुछ खास है। ज़रूर रिसेंट फॉर्म की अगर बात की जाए विकेट ज़रूर मिल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ये जो है विकेट से निकालने वाले हैं। तो नेथन एलिस को हम जो है दोस्तों ड्रॉप करेंगे। उसके बाद ओलिस्टोन, इनको भी जो है दोस्तों इनके अगर बात की जाए तो 2 मुकाबलों में 2 विकेट्स हैं, वेल्स फायर के खिलाफ कोई मुकाबला खेला नहीं है। हालिया फॉर्म आप जो है दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से जो है दोस्तों टीम बनानी है। तो आप जो है पेस गेंदबाज 2 ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते हो, जिनको स्पिन या तो फिर पेसर एक ना एक आपको होना चाहिए, और 4 गेंदबाज आपकी टीम में होना चाहिए, 1 विकेटकीपर, 3 बल्लेबाज के साथ आप जो है दोस्तों टीम बना सकते हो। उसके बाद डैनियल वॉलन आपको नजर आएंगे, 9 मुकाबलों में 11 विकेट्स इनके नाम है। और साथ ही में जो है दोस्तों पहले गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबलों में 2 विकेट, 24 की औसत है, और 6 मुकाबलों में 9 विकेट्स, 15 की इनकी औसत है। लॉर्ड्स में 3 मुकाबले के लिए 3 विकेट्स है। वेलफायर में को यहाँ पर जो है दोस्तों मुझे लगता है कि आज ये विकेट निकाल सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस जो है दोस्तों आपको नजर आएंगे गेंदबाजी में, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे किसको लेना है या किसको नहीं लेना है। फिलहाल मैं अपनी अपनी टीम बता देता हूँ। यहाँ पर जो टीम मैंने दोनों बनाई है दोस्तों, ये अगर पहले बल्लेबाजी करती है यहाँ पर तो ही ये टीम आपको जो है दोस्तों रखनी है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन आप बना सकते हो डेविड विलियो को निश्चित तौर पर, लेकिन ख़ास तौर पर अगर गेंदबाजी यहाँ पर आ जाती है लंदन स्पिरिट की, तो दोस्तों आपको जो है ना कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जोशुआ लिटिल को हमने वाइस कैप्टन बनाया एक टीम में। ओवरऑल पहले अगर बल्लेबाजी आती है लंदन स्पिरिट की तो ये टीम काफ़ी बढ़िया है। जॉनी बेरिस्टो को हमने रखा है विकेट कीपर सेक्शन में, बैट्समैन में रखा है कॉलर कैडमोर, साथ ही में लॉरेंस और टॉम एबल को, फिर ऑलराउंडर्स में रखा हमने आंद्रे रसल, लियम डेवसन, आर हिगिंस और डेविड विलियो को हमने बनाया कैप्टन। एक टीम में बनाया है आंद्रे रसल को वाइस कैप्टन, कैप्टन दोनों टीम में एक सेम ही है। और वॉरेल को हमने रखा अपने गेंदबाजी में, ओलिवर स्टोन को रखा है और वाइस कैप्टन बनाया एक टीम में हमने जोशुआ लिटिल को। तो ये जो है हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है हमारी फाइनल टीम देख सकते हैं, वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही में जो है कुछ अपडेट्स मैं आपको देता हूँ मैच से रिलेटेड, तो चाहिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।